तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं डेटा सॉर्टिंग। डेटा को सॉर्ट कैसे करें, उससे पहले हम जानेंगे कि डेटा को सॉर्ट करेंगे क्यों, क्या जरूरत है डेटा को सॉर्ट करने की। अब सपोज दैट कि आपने एक अपने ऑफिस में एक लिस्ट, आपके सारे एम्प्लॉई का एक लिस्ट लगा है, उस लिस्ट को आपको देखना है। अब उस लिस्ट को आप देखने जाएंगे, अगर वो लिस्ट आपके नाम के अकॉर्डिंग होगा तो आप उसे, मान लीजिए गुरदीप जी का नाम जी से है तो सीधे जी पे जाएंगे और जी का देख लेंगे। अगर नेम के हिसाब से या किसी भी हिसाब से शॉर्ट नहीं होगा तो क्या करना होगा गुरदीप जी को, उनको पूरा ए टू जेड लिस्ट को देखना पड़ेगा जब तक कि उनका नाम मिल नहीं जाता है तब तक। बात समझ रहे सर? तो शॉर्टिंग इसलिए करता है ताकि एक सीक्वेंस में हमारा अरेंज हो जाए। जैसे इसी में मान लीजिए कि मुझे टॉप 10 पे लेआउट के बारे में जानना है, समझे, टीपी आउट तो टॉप पे आउट के बारे में मुझे जानना है तो टॉप पे आउट के बारे में मैं कैसे जानूंगा, तो इसके लिए बोलेंगे टॉप बॉटम वगैरह का कुछ करें। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे यहां पे सिंपल, हम सिंपल टीपी अलर्ट पे कर्सर को रखेंगे, शॉर्ट पे जाएंगे और ए टू जेड शॉर्ट कर देंगे, टॉप 10 चाहिए ना जेड, और फिर यहां से 10 को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। ठीक है सर? तो सॉर्टिंग का यूज कई चीजों में किया जाता है, कई चीजों में। अब इसमें जो अगला टॉपिक आता है कि सॉर्टिंग एक कॉलम के बिहाफ पे होगा या अलग अलग कॉलम के बिहाफ पे में करना होगा। तो देखिए वो आता है कि आप जो है सॉर्टिंग जो करना चाहते हैं वो किस बिहाफ से करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मुझे जो सॉर्ट करना है वो सॉर्ट करना है कि किस नेम किस डेट को, नहीं सर, किस नेम को किस डेट के और कितने पे आउट का सॉर्ट हुआ है। तो उस केस में हमें कस्टम सॉर्ट पे आना होगा। हम यहाँ पे एसओ नेम सबसे पहला है जी, ए टू जेड हमने सिलेक्ट कर लिया, एड डेटा लेबल, एड लेबल पे जाएंगे, एसओ नेम के बाद डेट को सिलेक्ट किया, डेट को क्लिक किया और एड डेटा लेबल में हमने नंबर का टीपी अलाउट को सॉर्ट कर लिया स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो सबसे पहला हमारा नेम सॉर्ट होगा, उस नेम के अंदर डेट सॉर्ट होगा और उसके अंदर में हमारा टोटल पे आउट सॉर्ट होगा। देखिए नेम अजीत आया, अजीत के अंदर डेट पूरा सिक्वेंसली है, 1 जैन 24 जैन 25 जैन, कोई अनसिक्वेंस नहीं है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और फिर हमारा नंबर भी उसी तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो बोलेंगे नंबर तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, 200 आया और फिर यहां 86 आया, तो इसलिए क्योंकि यहां पर डेट चेंज हो गया, डेट का अकॉर्डिंग चल रहा है। इस तरह से हम शॉर्ट इसको कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट ये तो नॉर्मल शॉर्ट है तो मोस्टली लोगों को आता ही है, इसमें कस्टम शॉर्ट में जब हम बढ़ते हैं तो इसमें आता है डेट मंथ के हिसाब से शॉर्ट, मंथ के हिसाब से। जैसे मैं इसको एक बार डिलीट करता हूं, डिलीट लेवल डिलीट लेवल, मैंने यहां पे मंथ सिलेक्ट कर लिया। अब मंथ के हिसाब से शॉर्ट करेंगे तो यहां पे आपको अप्रैल आएगा, फिर अगस्त आएगा, फिर दिसंबर आएगा, आपका कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग ही होगा, आपका कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। ठीक है? तो कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग वर्क नहीं होगा। तो कैसे करें कैलेंडर ईयर के हिसाब से वर्क? तो कैलेंडर ईयर के हिसाब से वर्क करने के लिए हमें कस्टम लिस्ट का यूज करना होगा। तो कस्टम शॉर्ट, यहां पे हम मंथ में ए टू जेड की जगह पे हम कस्टम लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं और यहां टू जैन से फैब वाली चीज जो है उसको सिलेक्ट करके ओके करते हैं, डन ओके। ठीक है? ठीक, इसमें आपको
देखिए अगला जो टॉपिक हमारा आता है वो आता है कि कैलेंडर ईयर तो कर लिया, तो क्या कैलेंडर ईयर के साथ साथ हम फाइनेंशियल ईयर भी कर सकते हैं? फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग मतलब कि अप्रैल फिर आपका मई जून जुलाई इस तरह से अप्रैल टू मार्च, जी हाँ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ कस्टम लिस्ट में वो लिस्ट डिजाइन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ ऐसा लिस्ट डिजाइन नहीं किया हुआ, कैसे करेंगे? न्यू लिस्ट में जाएंगे और यहाँ पे करेंगे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब एंड मार्च, हमने कर लिया। देन ऐड और देन ओके। अब देखिए यहां पे अप्रैल आया, अप्रैल के नीचे आएगा आपका मई जून जुलाई कैलेंडर ईयर। तो कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग हमने अपना शॉर्टिंग कर दिया। अब कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग हमने शॉर्ट तो कर लिया, अब यहां पे अगला क्वेश्चन इसी में उठ के हमारे पास आ गया कि क्या इस तरह से नेम वगैरह भी कर सकते हैं? नहीं नहीं, जैसे कि इसमें ऐसा हुआ कि हमारे पास जो है एक लिस्ट है, समझे, हम उस लिस्ट का अकॉर्डिंग चार्ज करना चाहते हैं कि पहले मैनेजर हो, फिर उसके नीचे टीम लीडर हो, फिर उसके नीचे हो, इस तरह से। हम नेम के अल्फाबेटिक नहीं करना चाहते, हम नेम अल्फाबेटिक नहीं करना चाहते, ठीक है। तो उस केस में हम नेम की भी लिस्ट क्रिएट करेंगे सिंपल, जैसे हमने अभी मंथ का किया। तो कस्टम में जाते हैं, मंथ की जगह पे एसओ नेम सिलेक्ट करते हैं और यहां कस्टम लिस्ट में जब आएंगे तो यहां मैंने बना रखा है अपने नेम लिस्ट, आपके बात नहीं है तो अपना लिस्ट बना लीजिए। अब क्या होगा, सबसे पहले पूजा आएगा, फिर मोहन आएगा, फिर कविता आएगा सॉर्टिंग ऑर्डर में, राइट? ठीक है, ओके। अब इसमें अगला ऑप्शन आता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कभी कभी ऐसे सर्च करते हैं उसमें हम यहां पे कुछ हाईलाइट कर देते हैं, मतलब हम कुछ सेल कलर को अपने हिसाब से हाईलाइट कर दिए, ठीक है। अब कुछ दिन बाद मुझे ये पता करना है कि जो हाईलाइटेड है उसका हमें देखना है, मतलब जितने भी हमने सेल को हाईलाइट किया है वो ऊपर दिख जाए, समझे? कैसे दिखेगा हाईलाइट किया? हाँ, मतलब जैसे मैंने अभी कलर किया है ना, सारे कलर टॉप पे आ जाए, एक जगह इकट्ठा हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे? सारा टीम लीडर जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां हाईलाइट हो जाए? नहीं नहीं नहीं, हाईलाइट नहीं करना, हाईलाइट ऑलरेडी किया हुआ है, एक कलर जिस नाम पे हमने कलर कर रखा है ना वो इकट्ठा आ जाए, ठीक है ना। मतलब कि हम लोग क्या करते हैं कि मैंने इसमें कुछ अपने कुछ चेक किया, कुछ कंडीशन चेक कर रहे थे तो हमें कुछ चीजें गलत लगा, मुझे लगा कि नहीं ये चीज यहाँ पे नहीं होना चाहिए, गलत है, तो उस केस में हम इसका यूज करेंगे, समझे? तो इसमें हम क्या करेंगे, सेल वैल्यू दिखा होगा इसके जगह पे सेल कलर चूज करेंगे, सेल कलर चूज करते हैं यहाँ पे कलर आ गया नो कलर, तो यहाँ पे जो कलर, अब जैसे कि जरूरी नहीं कि एक ही कलर दिखेगा, जितने भी कलर आपने कर रखे हैं वो तो सारे कलर आपको यहाँ शो होगा, ठीक है? ठीक, जितने भी कलर आपने यहाँ कर रखे हैं
और सारा कलर आपका यहां पे शो होगा। तो मैंने यहां पे इसको चूज किया, ऑन द टॉप चाहिए, ऑन द बॉटम, ऑन द टॉप चाहिए सिलेक्ट करके जस्ट ओके कर दिया। तो अब देखिए सारे कलर टॉप पे आ गए। तो कलर ही नहीं, आप अपना जो सेल कलर के जगह पे फॉन्ट कलर है उसको भी लेके आ सकते हैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग की जो आइकन्स है, जैसे यहां पे हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाई कस्टम शॉट में, यहां पे मैंने सेल, यहां पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूं टीपीएल, और यहां से सेल कलर जगह पे आइकन, और जो आइकन चाहिए उस आइकन को मैंने यहां पे सिलेक्ट कर लिया, जस्ट प्रेस ओके। ओके करते हैं, जितने आइकन थे इसके ऊपर आ गए। ठीक है सर, जितने आइकन थे इसके ऊपर आ गए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब क्या टॉप टू बॉटम, मैं कि अगर मान लीजिए छोटा सा डेटा बनाते हैं यहां पे हम, जैसे नेम, और यहां पे हमने दे दिया सेल्स। तो मैं जो सॉर्ट जो करना चाहता हूं लेफ्ट टू राइट में, मैं टॉप टू टॉप टू बॉटम में लेफ्ट टू राइट करना चाहता हूं, उसे नेम नहीं था ना, तो मैंने कुछ लिस्ट ऑफ नेम यहां तैयार कर रखे हैं। मुझे इसमें के जितने भी नाम हैं उनको, मुझे इसके नाम के हिसाब, जिसके हिसाब से वैल्यू के हिसाब से हाईएस्ट टू लोएस्ट करना है, वैल्यू के हिसाब से हाईएस्ट टू लोएस्ट करना है। तो कैसे करें, तो इसके लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमें शॉर्ट करना है, कस्टम शॉर्ट। और शॉर्ट करते समय मुझे यहां ऑप्शन में शॉर्ट लेफ्ट टू राइट सेलेक्ट करना है। और याद रखिएगा जब भी आप शॉर्ट लेफ्ट टू राइट करते हैं तो आप अपना हेडिंग सेलेक्ट मत कीजिएगा, अगर हेडिंग आपने सेलेक्ट किया तो आपका हेडिंग भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम रो टू के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर रहे हैं, देन ठीक है सर। ठीक, अब शॉर्ट में ये तो ठीक है, अब कुछ छोटे डेटा लेते हैं और कुछ ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। अब मुझे क्या करना है, हमने यहां शॉर्ट तो करना है, शॉर्ट नहीं करना है, मुझे यहां कुछ और काम करना है। जैसे हर एक रो के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना है, कुछ इस तरह से, हर एक रो के बाद। तो इसको अगर मैनुअल करेंगे तो अगर डेटा 10-20,000 हुआ तो सर पूरा दिन लग जाएगा ना सर। तो इसको मैनुअल नहीं करते, बहुत सारे लोग बोलते हैं चलो वीवीए प्रोग्रामिंग वगैरह इस्तेमाल कर देते हैं, पर वीवीए प्रोग्रामिंग भी इसके लिए सही नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे सीरियल नंबर लेते हैं, हम एक सीरियल नंबर यहां डालेंगे, एक सीरियल नंबर ऐड करेंगे, एक लाइन इंसर्ट करना है ना। हाँ, एक रो, एक नया रो लास्ट में हमने ऐड किया, एक एक रो इंसर्ट करना है हर डेटा के बाद, हर रो के बाद एक ब्लैंक रो। ठीक है, एक डेटा रो एक ब्लैंक रो। तो हमने एक कॉलम एक सीरियल नंबर ऐड किया और इसी सीरियल नंबर को हमने रिपीट कर दिया नीचे। अब मैं सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्ट करूंगा, तो कंसेप्ट एक कहता है जब मैं सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्ट करूंगा तो ये वन होगा, अब इस वन के नीचे नीचे वाला वन आ जाएगा ना सर। तो वन अकेले तो नहीं आएगा, वो आएगा पूरा रो लेके। तो इस वन में सिर्फ इस वन में
पूरा का पूरा रो ब्लैंक है, तो ब्लैंक हो जाएगा। जब मैं इस कॉलम डिलीट करूंगा देख रो ब्लैंक होगा, ये देता होगा क्या? Correct. तो इसको हमने सेलेक्ट किया डेटा को, और यहां हम जाते हैं कस्टम शॉट। कस्टम शॉट में हमने यहां पे सीरियल नंबर दे दिया और कुछ खास इसमें नहीं किया, मैंने इसको सिलेक्ट किया और जस्ट ओके कर दिया। हमने क्या किया, जस्ट ओके हर एक रो के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो गया ना सर। अब बताइए आप, किसी को दिक्कत तो नहीं है, किसी कंफ्यूजन तो नहीं है? अब एक इससे एक और प्रॉब्लम आता है, समझ में आया। प्रॉब्लम क्या कि आपके पास जो डेटा आता होगा तो कुछ डेटा के बाद 5-10 के बाद ब्लैंक, फिर ब्लैंक, फिर ब्लैंक, मतलब कि आपके डेटा में बहुत सारे ब्लैंक सेल होते होंगे। जैसे पूरे साल का डेटा आपने मंगवाया तो उसमें क्या होगा कि हर मंथ के बाद एक ब्लैंक रो हो सकता है, तो मुझे सारे ब्लैंक रो को हटाना है। तो सारे ब्लैंक रो को जो हटाना है तो कैसे हटेगा? सारे ब्लैंक रो हटेगा कैसे? बहुत सारे लोग फिल्टर करते हैं, फिल्टर करके हटाते हैं, लेकिन फिल्टर के बाद क्या होता है, जब फिल्टर करके डिलीट करते हैं तो अगर आप फिल्टर में डेटा डिलीट करते हैं तो दो चीजें होगी। एक तो डेटा डिलीट होने से सारा सिस्टम हिलेगा, ऊपर नीचे होगा, जिस कारण से आपका एक्सेल स्लो चलेगा, हैंग हो सकता है जब बड़ा डेटा होगा तो। दूसरा इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, दूसरा इसमें प्रॉब्लम होता है कि जब आप इसको इसके डेटा को जब आप एक करेंगे इस डेटा को जब आप डिलीट करेंगे तो फिल्टर के पीछे के डेटा भी कभी कभी डिलीट हो जाता है। सो डिलीटिंग ऑप्शंस यहां पे सुटेबल नहीं, समझ गए? तो क्या करें, तो इसके लिए यहां पे हम एक ऑप्शन करते हैं, हम पूरे डेटा को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि सिलेक्शन जरूरी है, इसमें सिलेक्ट ना करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। सिलेक्ट करिए और किसी एक के अकॉर्डिंग हम शॉर्ट कर देते हैं, जैसे मैंने मान लीजिए डेट के अकॉर्डिंग ही शॉर्ट कर दिया। तो इसमें क्या हुआ कि जो ब्लैंक रो है वो आपके नीचे चले जाएंगे, आगे नीचे सर। तो इससे आपका पास होगा, आपका डिलीट भी नहीं होगा। अब मान लीजिए डेटा मुझे शॉर्ट करना है तो क्या अनसॉर्ट का ऑप्शन इसमें है? एक्सेल में डेटा को अनसॉर्ट करने का ऑप्शन नहीं है सर, लेकिन अनसॉर्ट किया जा सकता है। आप एक डिसाइड कर ले कि कौन सा कॉलम सिक्वेंसली है, अगर नहीं है तो एक सीरियल नंबर का कॉलम दे दे और उसमें सिक्वेंस दे दे, ठीक है? सॉर्ट करने से पहले ये आपको पहले करना होगा, राइट? अब कोई भी डेटा को किसी भी डेटा के एंगल से सॉर्ट करें, जैसे मान लीजिए मैंने इसको नेम वाइज सॉर्ट कर दिया, ठीक है, मुझे वापस सही करना है तो आपका अभी तुरंत आप कंट्रोल जेड कर लोगे, फाइल को सेव कर दिया, दो दिन बाद, तीन दिन बाद आपने ओपन किया, उस समय तो नहीं ना होगा सर। तो उस समय क्या करेंगे, उस समय हम इसको यहां से सीएल नंबर अकॉर्डिंग वापस शॉर्ट कर देंगे, हो गया अनशॉर्ट सर। तो शॉर्ट अनशॉर्ट इस तरह से किया जा सकता है। अच्छा, ब्लैंक रो वाला में फिल्टर था तो उसको फॉर्मूला सब उधर उधर नहीं होगा डाटा? शॉर्टिंग में हो सकता है सर, फिल्टर में नहीं होगा। शॉर्टिंग शॉर्टिंग में कब होगा, जब ऊपर की वैल्यू नीचे की वैल्यू अगर ले रखा होगा ना सर, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, कभी कभी प्रॉब्लम होती है शॉर्टिंग में। आपने आपने उसमें फिल्टर नहीं किया तो फिल्टर में तो प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, फिल्टर में नहीं होगा, लेकिन डिलीट करेंगे तो भी दिक्कत होगा ना, क्योंकि मान लीजिए ना आपने A2 से आपने ले रखा है रेफरेंस, A2 ब्लैंक है, आपने डिलीट किया तो वो A1 में तो आपका एरर आ ही जाएगा ना सर। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला रिमूव कर दो, फिर शॉर्ट करें, क्योंकि शॉर्टिंग मतलब फॉर्मूला पे थोड़ी करते हैं, शॉर्टिंग मतलब हम डेटा पे करते हैं ना सर। फॉर्मूला तो मुस्लिम रिपोर्ट में लगाते हैं, डेटा पे बहुत क्लियर केस में लगता है। चलिए, अब एक ऑप्शन और आता है
कि मुझे हर दो रो के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना, तीन के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना है। कैसे होगा? हर तीन के बाद बेहतर वही होगा, बस मुझे तीन रो के बाद करना है तो वन को तीन बार रिपीट कर लेना है, फिर पहले वाले वन में जाना है प्लस वन कर लेना है और फिर इसको नीचे ड्रैग कर देना है। ऐसे करने से क्या हुआ कि हर नंबर तीन बार आ गया। आया सर? तो हमें सीक्वेंस नंबर ही बनाना है लेकिन तीन बार बनाना है। और फिर यहां में देखा कहां तक है, 15 तक है, फिर एक से लेके 15 तक का सीक्वेंस नंबर नीचे लिखना है ब्लैंक के लिए, लेकिन सिंगल है। ठीक है सर? और फिर इसको सिलेक्ट कीजिए और फिर सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर। तो हर तीन के बाद एक ब्लैंक रो आपका इंसर्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है, ये तो मैं रो इंसर्ट कर रहे हैं, क्या हम कॉलम को भी इंसर्ट कर सकते हैं? कॉलम को भी इंसर्ट किया जा सकता है। जी हां, कॉलम को भी इंसर्ट किया जा सकता है। कैसे? तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। एक मिनट, में भी डेटा बनाया था ना कॉलम के लिए। हमें कॉलम को सिलेक्ट करना, यहां कॉलम को सिलेक्ट करके उसी मेथड को अपनाना है, लेकिन रो वाइज नहीं कॉलम वाइज। व्हाट हम सीक्वेंस नंबर दे देते हैं और इसी सीक्वेंस नंबर को रिपीट कर देते हैं। जितना कॉलम आपको इंसर्ट करना है ब्लैंक, उतना बार रिपीट करेंगे। ठीक। फिर परसेंटेज या कोई भी है, जैसा एक हेडिंग देना है तो हेडिंग दे दीजिए, ताकि बार बार हेडिंग में डालना पड़े, तो मैं नॉर्मली हेडिंग दे दिया। फिर इसको सिलेक्ट किया और यहां कस्टम शॉर्ट में सबसे पहले तो ऑप्शन में जाके हमने लेफ्ट टू राइट को सिलेक्ट कर लिया, फिर रो वन के अकॉर्डिंग हमने शॉर्ट कर दिया। अब फिर इसको डिलीट कर दीजिए नंबर वन को। आ गया? इसमें करके फायदा क्या हुआ? क्या फायदा? हर एक कॉलम के बाद एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट हो गया ना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कॉलम से ब्लैंक, परसेंटेज क्यों दिया? ब्लैंक ही करना, हेडिंग दे दिया, हमने हेडिंग दे दिया। ऐसे जैसे मान लीजिए ना कि आपके पास सेल्स डेटा है, प्रोडक्ट का डेटा आया हुआ है, हर प्रोडक्ट का सेल है, आप चाहते हर प्रोडक्ट के बाद उसका परसेंटेज दिख जाए, 80% दिख जाए या कुछ ऐसा दिख जाए। कॉलम इंसर्ट करने का तरीका। जी जी, तो समझ में आया शॉर्टिंग? हाँ। तो इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए, कल हम होम मेनूबार को फिनिश करेंगे। ठीक है? ठीक। फिर इसके बाद परसों एक आपका एक टेस्ट होगा। ठीक है। मैं